मेरा नाम अहमद अली। क्या मामला है? मामला ये कि सर मैं यहाँ से जा रहा था प्लेटफार्म मेरे भाई को चढ़ने, और वो भाई वहाँ पे अजमेर के अंदर 8वीं क्लास पढ़ते हैं, वहीं पे स्कूल पढ़ाई करते हैं, और मैं यहाँ पे बाड़मेर के अंदर सिद्धार्थ स्कूल के अंदर पढ़ाई करता हूँ और 12वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। और मैं जब छोड़ने आया मेरे भाई को वहाँ पर टिकट वगैरह दे के, मैं जब वापस रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, जब इतने में पुलिस थाना कोतवाली की चौकी थी और वो आई और उन्होंने मेरे को गाड़ी के अंदर बिठा के और धक्के मारे और कहा ये मसला है, आतंकवादी है, ऐसा बोल के मेरे को कोतवाली थाने के अंदर ले गए। और अंदर जाने के बाद में मोबाइल वगैरह छीन लिए गए और उसके बाद में मेरे को अंदर बिठा दिया गया कि इसको पीटो। फिर वो तुलसाराम और तीन चार चौखाराम था और तीसरा परवीन था, ये तीन चार जाने थे और मेरे को अंदर लेके गया और पट्टे से पीटा। पट्टे से पीटने के बाद मेरे हाथ पांव और पीटने के बाद में क्या धार्मिक इस्लाम ये कहो खुदा ऐसा है ऐसा वैसा गाली बकवाई, और गाली बकवाने के बाद में मेरे कपड़े उतार दिए गए और फिर मेरे को अंदर लेके गए और धमकाने के बाद में मेरे को कहा कि कितने तेरे पास पैसे हैं वगैरह हैं, ये कहने के बाद में मेरे को वहाँ कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। एक घंटा मैं बंद रहा और मेरे को खड़ा कर दिया गया कमरे के अंदर। फिर मैं वहीं पे अंदर खड़ा था, उसके बाद में रात को 2:30 बज गई थी। 3 बजने के बाद में मेरे को अब तेरे को जिसको फ़ोन करना है वो कर दे, और फ़ोन भी घर वालों को तेरे को नहीं करना है, और तेरे पेरेंट्स वगैरह किसी को नहीं करना है, और तेरे साथ जो भी रहता है उसको फ़ोन करना है। उसको मैंने, मेरा भाई मामू ज़्यादा है, उसको फ़ोन किया और वो आया और उसको मेरे को बातें नहीं करने दी, और खुद उसने बात की पुलिस वाले ने मेरे फ़ोन से उसने बात की, और बात करने के बाद में उसने उसको बोला कि कुछ नाश्ता पानी के लिए पैसे लेके आना और यहाँ पे आ जा, पुलिस थाना में तेरे भाई को पकड़ लिया गया है। फिर जब मेरा भाई वहाँ पे पहुँचा, उसको ये कह के मेरे को धमका डराया, मेरे को कहा कि अंदर की बात अंदर ही रहने देना, और तुलसीराम और ये दो चार थे, इन्होंने मेरी दाढ़ी ये खींच के पूरी तोड़ दी गई, और अभी तक मेरा ये पूरा दर्द कर रहा है और मेरे पाँव में इतना। कितने बजे आपको रात को गिरफ्तार किया? रात में 12:30। अभी आपने किसको ज्ञापन दिया है, मुकदमा करवाया है? एसपी साहब से मुकदमा दर्ज कर चुके हैं थाने में। हमारे पास रात में 200 रुपये लिए गए। किसने लिए 200? परवीन ने। परवीन ने थाने में किसने मारपीट किया आपसे? चौखाराम ने बहुत ज़्यादा मारपीट की, और मेरी दाढ़ी ज़्यादातर चौखाराम ने खींची है, और खींच के मेरे को ऊपर कहा कि तू मुसलमान है और तेरी ये दाढ़ी वगैरह क्यों रखता है, ऐसा कुछ धार्मिक का, और तो ये क्या खुदा ऐसा है ऐसा है, मेरे को गाली भी बकवाई शब्द, मेरे का तेरा बाप क्या करता है, तू ऐसा है, मुसलमान ऐसे हैं, तू क्यों पढ़ाई करता है, ऐसा सब कुछ कहने के बाद में मैंने कहा मेरा बाप तो एक किसान है और मैं स्टूडेंट हूँ, 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ, कि नहीं तू ऐसा है, तू दारू पीता है और इधर क्यों गया था। उसके बाद में मेरे को मारपीट करके 3 बजे मेरे को छोड़ दिया गया। खतरनाक आदमी है विशेष की यार, एक आदमी है राजस्थान में, खासकर दो में आएगा।